मैं विनोद कोठारी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल उदयपुर। सी 204 का सेलेक्शन का जो चैप्टर है लेवलिंग, उस विषय के मैं आज मैं आपको यहाँ पर लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। सेलेक्शन पृथ्वी के विभिन्न सतहों पर स्थित बिंदुओं के तल अंतर को ज्ञात करने को हम सेलेक्शन कहते हैं। सेलेक्शन हमें इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि सेलेक्शन हमारे इंजीनियरिंग कार्यों के लिए आवश्यक होता है, जैसे सड़क का कार्य है या रेलवे ट्रैक का कार्य है या भवन का कार्य है। इन सभी में हमें पृथ्वी के सतहों का तल अंतर हमें ज्ञात करना आवश्यक होता है। उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, किस प्रकार से उसका किया जाता है सर्वेक्षण वो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस को हम बात करते हैं जो डेफिनेशंस हमारे लिए जाननी आवश्यक है। सबसे पहले है लेवल सरफेस। कोई भी सतह जो पृथ्वी के माध्य सतह के समानांतर होती है समतल सतह कहलाती है। पृथ्वी की सतह हम जानते हैं चूंकि यह गोलाकार होती है, कर्वेचर लिए हुए होती है, तो इसी कर्वेचर के ऊपर एक समतल अगर कर्वेचर है, एक तो स्ट्रेट लाइन हम कहते हैं जनरली, स्ट्रेट लाइन के पैरेलल अगर हम लाइन खींचते हैं तो वो कहते हैं हम समतल सतह। लेकिन अब यहाँ पर सरफेस चूंकि हमारी कर्वेचर है तो कर्वेचर के समानांतर ही यदि एक कर्व्ड लाइन है तो वो उस प्लेन को अगर यदि दर्शा रही है तो उसको हम कहते हैं लेवल सरफेस। दूसरा है लेवल लाइन। समतल सतह में स्थित कोई भी रेखा समतल रेखा कहलाती है। किसी भी बिंदु पर समतल रेखा उस बिंदु पर अवलंब रेखा के समकोण पर होती है। कि समतल रेखा हमेशा हमारे साहुल रेखा, क्योंकि हमारी प्लम्बों भी यदि हम लटकाते हैं फ्रीली तो वो हमारी जो रेखा होती है वो साहुल रेखा कहलाती है, उसके साहुल रेखा के समकोण में होती है, तो उसको हम कहते हैं समतल रेखा। हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक बिंदु पर क्षैतिज समतल वह समतल होता है जो उस बिंदु में से गुजरने वाले समतल सतह से स्पर्श होता है। क्षैतिज समतल उस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण रेखा अर्थात अवलंब रेखा के समकोण होता है। हम जानते हैं कि समतल सतह वक्र होती है किंतु क्षैतिज सतह वक्र नहीं होती है। अब समतल सतह और क्षैतिज समतल इन दोनों में हमको जरा सा फर्क हमको जानना आवश्यक है। कि समतल सतह को हम कहते हैं कि पृथ्वी के सतह के समानांतर जो सतह होती है वो समतल सतह होती है, लेकिन क्षैतिज समतल क्योंकि हॉरिजॉन्टल, तो क्योंकि समतल सतह हमारी कर्वेचर ली हुई होती है और हॉरिजॉन्टल सतह क्षैतिज समतल हमारा स्ट्रेट होता है, तो इसलिए इन दोनों में यह अंतर होता है। तो जो हम लेवलिंग के दौरान जो हम काम में लेते हैं वो हमारा समतल सतह कहलाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज समतल में स्थित कोई भी रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। यह सीधी रेखा होती है, किसी बिंदु पर समतल रेखा की स्पर्शिका होती है, यह भी उसी बिंदु पर साहुल रेखा के लंबवत होती है। वर्टिकल लाइन, साहुल रेखा से जो गुजरने वाली जो लाइन है उसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर रेखा जिस समतल में होती है उसे ऊर्ध्वाधर समतल कहते हैं। वर्टिकल एंगल, ऊर्ध्वाधर रेखा और जो जिस बिंदु का हमको एंगल लेना है उनके मध्य का जो कोण होता है वो हमारा ऊर्ध्वाधर कोण कहलाता है। बेंचमार्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आता है। बेंचमार्क किसको कहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम विभिन्न तलों के तलंतर का हम ज्ञात करते हैं लेकिन वो किसी रेफरेंस में हम ज्ञात करते हैं। तो रेफरेंस में जब हम ज्ञात करते हैं तो उस केस में हमें यह मालूम होना चाहिए कि वह उस रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है पॉइंट या कितना नीचे है। तो इस हेतु सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बेंचमार्क फिक्स किया हुआ है पूरे हमारे कंट्री के लिए। तो उस बेंचमार्क को आप कैसे फिक्स किया है, उसके लिए 19 साल तक जो हमारे समुद्र है उनमें हाई टाइड्स और लो टाइड्स इन दोनों का अध्ययन किया गया और डेली का रिकॉर्ड मेंटेन किया गया और उसका फिर कैलकुलेशन करके एक मीन निकाला गया, उसको हम कहते हैं मीन सी लेवल। मीन सी लेवल के मीन्स ये है कि मीन सी लेवल जैसे नाम से ही है कि सी लेवल जो उसका मीन, तो उस माध्य के अनुसार हम रेफरेंस में हमने सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरी कंट्री में विभिन्न जगहों पर बेंचमार्क फिक्स किए हैं जो उसके रेफरेंस में है।
यदि हमें सर्वे हमारे क्षेत्र में करनी है तो हमारे यहाँ पर भी क्षेत्र में भी सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बेंचमार्क स्थापित किए हुए हैं जिस पर उसका लेवल लिखा गया है। जैसे एक आपकी जानकारी के लिए ये कि आपने प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर देखा होगा कि एक बोर्ड पे जहां पर नाम लिखा रहता है स्टेशन का उसके नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। इसका मीनिंग ही वही है कि मीन सी लेवल जो है हमारा उस मीन सी लेवल से यह स्टेशन या यह क्षेत्र अब एग्जैक्टली जो जहां पर ये तो उन्होंने बोर्ड लगाया है उसकी ऊंचाई नहीं है, उस क्षेत्र की एक एवरेज ऊंचाई जनरली ये माना जाता है कि उसका एवरेज जहां पर बेंचमार्क फिक्स किया वो बेंचमार्क इतना ऊपर है। तो इस प्रकार से हम ये बेंचमार्क भी फिक्स करते हैं। और अब ये बेंचमार्क तो फिक्स किए हैं सर्वे ऑफ इंडिया ने क्योंकि उसने पूरे कंट्री के सर्वे किया है, उस सर्वेक्षण के आधार पर उसने ये बेंचमार्क फिक्स किए हैं। बेंचमार्क फिक्स करने के बाद अब यदि हम एक छोटे क्षेत्र में सर्वे करनी है तो हमारे लिए संभव नहीं है कि उन बेंचमार्क को हम काम में लेते हुए हम सर्वेक्षण करें। तो हमारे लिए इसमें एक टेम्परेरी बेंचमार्क और टर्म आती है जिसमें हम हमारे क्षेत्र के सर्वे करने के उद्देश्य से हम हमारे लेवल पर हम कोई बेंचमार्क एज्यूम करते हैं, हम मानते हैं, कल्पना करते हैं। तो जनरली जैसे अगर कॉलेज में हमें सर्वे करना हो तो कॉलेज क्षेत्र में हम कॉलेज का कोई भी एक परमानेंट कोई पार्ट होता है, जैसे हम मान लो सपोज पोर्च ही है या वरामदा है तो उस बरामदे को हम एक टेम्परेरी बेंचमार्क मान लेंगे और उसका रेडियस लेवल भी हम कुछ एज्यूम कर लेंगे और उस एजम्पशन के आधार पर हम आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण करके हम उसके उसके रेफरेंस में विभिन्न बिंदुओं के लेवल्स ज्ञात करेंगे। अब इसमें एक टर्म आई है कि हम रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल किसको कहते हैं? रिड्यूस लेवल हम उसको कहते हैं कि जब सर्वे जब करते हैं तो हम उसमें लेवल इंस्ट्रूमेंट और कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स काम में लेते हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो अब सबसे पहले मैं लेवल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लेवल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? लेवल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं है, एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है जिसके ऊपर हम एक इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करते हैं और उस ट्राइपॉड स्टैंड पर फिक्स करने के बाद उसमें एक दूरबीन लगी हुई होती है जिसमें लेंस लगे हुए होते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को लेवल करने के लिए उसमें तीन फुट स्क्रूज होते हैं, उसमें बॉटम प्लेट होती है, टॉप प्लेट होती है, इन दोनों के बीच में फुट स्क्रूज होते हैं। अब इसको सबसे पहले लेवल किस प्रकार से किया जाता है? लेवल करने का उद्देश्य होता है क्योंकि उसमें एक बबल ट्यूब होती है, उस बबल ट्यूब का बबल जो है उसको हमको सेंटर में रखना होता है। टेलीस्कोप चाहे किसी भी दिशा में घूमे उसमें वो बबल अपने सेंटर की स्थिति में रहना चाहिए। इस हेतु हम सबसे पहले उसका टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हैं लेवल इंस्ट्रूमेंट की। तो सर्वप्रथम हम लेवल इंस्ट्रूमेंट को ट्राइपॉड जो उसका त्रिपाद होता है उस त्रिपाद के ऊपर उसको फिक्स करते हैं और उसको फिक्स करने के पश्चात उसको दो किसी फुट स्क्रूज के पैरेलल हम उसकी बबल ट्यूब को रखते हैं और उन दोनों फुट स्क्रूज को हम उंगली और अंगूठे के इस तरीके से उसको हम या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं कि बबल किस तरफ मूव हो रहा है। जिस भी तरफ हमको मूव करना है उसके अनुसार हम उसको मूव करते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। और इसके पश्चात जब वो बबल सेंटर में आ जाता है तो टेलीस्कोप को हम उसके परपेंडिकुलर कर देते हैं। टेलीस्कोप परपेंडिकुलर करने पर बबल ट्यूब भी हमारी उसके दो फुट स्क्रू जो हमने लेवलिंग में काम में लिए थे उनके पैरेलल परपेंडिकुलर हो जाती है। फिर जो तीसरा फुट स्क्रू है जो हमारे उस दूसरी तरफ रहता है उस फुट स्क्रू से या तो राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से उसको वापस एक उंगली और एक अंगूठे के बीच से उसको घुमाया जाता है और बबल को सेंटर में लाया जाता है। जब बबल पुनः इसमें सेंटर में आ जाता है तो उस बबल ट्यूब को पुनः वापस पुरानी पोजीशन में यानी कि दो फुट स्क्रू के पैरेलल रखा जाता है। क्योंकि अब जब हमने तीसरा बबल तीसरा फुट स्क्रू को काम में लिया था तो निश्चित तौर पर बबल ट्यूब थोड़ा डिस्टर्ब हो गई होगी और उसमें बबल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया होगा तो पुनः उसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं दोनों फुट स्क्रू की सहायता से, पुनः वापस उसको 90 डिग्री पे करते हैं, तीसरे फुट स्क्रू की सहायता से वापस उसको सेंटर में आते हैं। इस तरह से दो तीन बार उसको हम प्रोसेस करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जब यह पूरे 360 डिग्री के रोटेशन में भी वह बबल अपने सेंट्रल पोजीशन में ही रहता है। जब वह पूरी स्थिति में सेंट्रल पोजीशन में रहता है तो हम इसको कहते हैं कि अब हमारा लेवल इंस्ट्रूमेंट लेवल्ड है, यानी लेवल्ड है यानी मतलब इसको हम कहेंगे कि जो समतल सतह है उसके प्लेन में ही वह रोटेट करता है। अब इसमें एक और टर्म आती है
लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा ये दिस इज एन इमेजिनरी लाइन जो कि हमारे फोकस, उसमें दो तरह के लेंसेस होते हैं, एक आईपीस होता है और दूसरी तरफ हमारा उसका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल पॉइंट और आईपीस का फोकल लेंस, इसके बीच में एक डायफ्राम होता है, क्रॉस हेयर होता है जिसको हम कहते हैं। उस क्रॉस हेयर के इंटरसेप्टिव पॉइंट से गुजरने वाली और उस फोकल लेंथ पॉइंट से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। यह दृष्टि रेखा ही हमें उस प्लेन सरफेस को, रेफरेंस को हमको दर्शाती है। अब यह तो लेवल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हुआ, अब इसमें हम काम में लेते हैं स्टाफ, लेवलिंग स्टाफ होता है। लेवलिंग स्टाफ कई प्रकार के होते हैं जो आपने पहले के चैप्टर्स में आपने पढ़ा है। लेवलिंग स्टाफ हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक सिंगल स्टाफ होता है, फिर उसके बाद उसको हम दूसरा हम कहते हैं टेलीस्कोपिक स्टाफ, होल्डिंग स्टाफ कहते हैं। यह 3 मीटर से लेकर 5 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होते हैं। हम जनरली यहाँ पर टेलीस्कोपिक स्टाफ काम में लिए जाते हैं और ये लकड़ी के भी हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं। जनरली जो आजकल जो हम काम में लेते हैं उसमें एल्यूमिनियम के टेलीस्कोपिक स्टाफ काम में लेते हैं। उस स्टाफ में 4 मीटर लंबाई के होते हैं, उसमें 3 पीस होते हैं जो एक दूसरे के अंदर उसके अंदर हम डाल देते हैं ताकि उसकी लंबाई हमारी कम हो जाती है। उस टेलीस्कोपिक स्टाफ के ऊपर भी जो मार्किंग होती है उसमें ब्लैक रेड पट्टियां नजर आती है, उसमें व्हाइट होता है पे, और उसमें ब्लैक और इन रेड की जो थिकनेस है उस पट्टी की स्ट्रिप्स की वो 5-5 mm की होती है। यह जब मार्किंग होती है वो 5-5 mm के अंतराल पर होती है और प्रत्येक 10 सेंटीमीटर के ऊपर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह से लिखा होता है। जहां पर 1 मीटर कंप्लीट होता है वहां पर 1 मीटर लिखा होता है। और अब उसमें हम रीडिंग किस प्रकार से पढ़ते हैं कि हम टेलीस्कोप से उस स्टाफ की रीडिंग को हम देखते हैं, तो उसमें क्रॉस हेयर जहां पर हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर जहां पर उस स्टाफ के पॉइंट को जहां पर मार्क करता है देखता है तो वहां की रीडिंग हम पढ़ते हैं। टेलीस्कोपिक स्टाफ इस तरीके से हम, और उसको टेलीस्कोपिक इसलिए हम काम में लेते हैं क्योंकि जब हमें इसको कैरी करके दूसरी जगह ले जाना हो तो इतना लंबा स्टाफ ले जाना हमारे लिए संभव नहीं होता है, तो उस केस में हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, तो उसको हम फोल्ड कर देते हैं, उसको टेलीस्कोप को उसको रिड्यूस कर देते हैं उसके लेंथ को, और इस प्रकार से हम काम में लेते हैं। अब इसमें लेवल्स भी हमारे पास कई प्रकार के होते हैं, डंपी लेवल, टिल्टिंग लेवल, क्विक सेटिंग लेवल। डंपी लेवल एक सबसे सिंपल फॉर्म होती है डंपी लेवल, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। उसमें 3 फुट स्क्रूज होते हैं, बबल ट्यूब होती है, टेलीस्कोप होता है और एक फोकसिंग स्क्रू होता है। फोकसिंग स्क्रू से हम जब स्टाफ को रीडिंग हम पढ़ते हैं तो उसका विजन को क्लियर करने के लिए, उसके इमेज को क्लियर करने के लिए हम उसको फोकसिंग स्क्रू को काम में लेते हैं, तो उसके कारण से हमारी इमेज क्लियर हो जाती है और हम रीडिंग को आसानी से पढ़ सकते हैं। टिल्टिंग स्टाफ में एक स्क्रू और एडिशनल होता है जिसके कारण से, क्योंकि वो थोड़ा हमारे लिए ज्यादा कुछ प्रेसाइज लेवलिंग में हम काम में लेते हैं, उसमें काम थोड़ा हमारा जल्दी हो जाता है क्योंकि वो टिल्टिंग स्क्रू से हम जब भी हम लेवल इंस्ट्रूमेंट का बबल अगर मान लो हमारा सेंटर से थोड़ा सा डेविएट हो गया है तो उस टिल्टिंग स्क्रू की सहायता से हम उसको वापस पुनः सेंटर में ला सकते हैं। और डंपी लेवल में अगर यदि हमारा डिस्टर्ब हो गया तो हमको पुनः वापस पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। इस कारण से यह हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त रहता है टिल्टिंग और फिक्स सेटिंग लेवल भी, जिसमें हमारा सेटिंग जल्दी से हो जाती है और उस तरीके से हम काम में लेते हैं। कॉम्पैक्ट होता है तो इंस्ट्रूमेंट आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल है, उनसे हमारा काम भी अति शीघ्र हो सकता है। अब जैसा मैंने बताया टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स हमारे के करने होते हैं जब हम इसको लेवल इंस्ट्रूमेंट को काम में लेते हैं। जैसे पहला एडजस्टमेंट होता है हमारा कि लेवलिंग, फिर दूसरा होता है हमारा सेंटरिंग और तीसरा होता है हमारा पैरेलेक्स रिमूविंग। तो पैरेलेक्स रिमूविंग में हम क्या करते हैं कि जब हम उसको कहते हैं किसको पैरेलेक्स को, कि जब हम आईपीस में से हम जब देखते हैं उसको क्रॉस हेयर को, डायफ्राम को, तो हमारे आई के मूवमेंट के साथ वो डायफ्राम भी मूव करता है, तो इसको हम कहते हैं पैरेलेक्स। तो हम पैरेलेक्स के उसमें उसको आईपीस को हम
रोटेट करके उसमें से उसको इस तरीके से करते हैं कि जब हमारा आय का मूवमेंट हो तो डायफ्राम का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जब डायफ्राम का मूवमेंट रुक जाता है तो इसको हम कहते हैं पैरेलेक्सली मूविंग। सेंटरिंग हम कहते हैं कि जो बिंदु हमारे जमीन पर हमने स्थापित किया है उस जमीन पर यदि हमारा लेवल इंस्ट्रूमेंट हमको सेट करना है तो लेवल इंस्ट्रूमेंट के हम सेंटर में प्लम्बोब लटका देते हैं और प्लम्बोब उस सेंटर को रिप्रेजेंट करता है जो उसकी वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और उसके आधार पर हम उसको सेंटरिंग करते हैं। यह कार्य हमारे जनरली ट्रेवर्सिंग जब हम करते हैं जब हमको काम में लेना होता है। अब लेवल बुक के बारे में हम अब बात करेंगे। लेवल बुक एक्चुअली एक जो हमने लेवल लिए जाते हैं हमारे फील्ड के अंदर जब हम स्टाफ रीडिंग पढ़ते हैं तो उन स्टाफ रीडिंग को रोट करने के लिए हम लेवल बुक काम में लेते हैं। लेवल बुक में कुछ कॉलम्स होते हैं। सबसे पहला कॉलम होता है हमारा स्टेशन पॉइंट, उसके बाद हमारा बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड। ये तीन साइड हमारी होती है तो उसको लिखा हम जाते हैं बैक साइड सबसे पहले, फिर इंटरमीडिएट साइड, फिर फोर साइड। फिर इस लेवल इंस्ट्रूमेंट में भी हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है और कैलकुलेशंस होती है जो रेडियस लेवल की वो दो प्रकार से होती है। एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड काम में लेते हैं, एक राइज एंड फॉल मेथड काम में लेते हैं। यदि हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हैं तो फोरसाइट के बाद जो हमारा कॉलम होता है वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, फिर उसके बाद रिड्यूस लेवल होता है। और अगर हम राइज एंड फॉल मेथड काम में ले रहे हैं तो ये फोरसाइट के बाद हमारे दो कॉलम्स और होते हैं, एक में राइज होता है, एक में फॉल होता है, फिर उसके बाद रिड्यूस लेवल होता है। तो यह एक तरीका होता है उसको लेवल इंस्ट्रूमेंट लेवल बुक को का फॉर्मेट होता है। इस लेवल बुक में अब हम एंट्री किस प्रकार से करते हैं कि सबसे पहले यदि हमको जब सर्वे करना हो, सर्वे स्टार्ट करना हो, तो सर्वप्रथम हम टेम्परेरी बेंचमार्क फिक्स करते हैं। टेम्परेरी बेंचमार्क हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जब हम छोटे क्षेत्र के सर्वे करते हैं तो हमको उसमें परमानेंट बेंचमार्क की आवश्यकता नहीं रहती है। तो टेम्परेरी बेंचमार्क जैसे हमारे कॉलेज का पोर्च का लेवल, हम प्लिंथ लेवल जो है वो उसको हम प्लिंथ हो जो उसको हम हमारा लेवल मानते हो उसका हम उसको टेम्परेरी बेंचमार्क माना जा सकता है। या कोई और परमानेंट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि जो उसको हम टेम्परेरी बेंचमार्क मान सकते हैं। और इसमें उस टेम्परेरी बेंचमार्क का हमको रिड्यूस लेवल भी एज्यूम करना होता है। तो जनरली हम इसमें टेम्परेरी बेंचमार्क जो लेते हैं हम और जो हमारी सर्वे करते हैं उसमें हम 100 रिड्यूस लेवल उस बिंदु का मानते हैं, उस सतह का मानते हैं। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे हमारे पॉइंट्स जब हम ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हो तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो उस बेंचमार्क से टेम्परेरी बेंचमार्क से नीचे तरफ स्थित है तो वो माइनस में आएंगे। तो जनरली हम जो भी रिड्यूस लेवल्स है वो माइनस में नहीं लिखे जाते हैं, इसलिए उनको प्लस में लिखने के लिए, पॉजिटिव लिखने के लिए उसमें आवश्यक है कि हम उनको हम 100 मान के चले ताकि ये जो उससे बिलो है, उससे नीचे है वो 99, 98, 97 इस तरीके से आ सकते हैं, और उससे हायर है तो वो 101, 102, 103 इस तरीके से आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यदि मान लो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की बात करें तो हम सबसे पहले टेम्परेरी बेंचमार्क तो हमारे जो लेवल बुक के अंदर जो है सबसे पहले हम लिखेंगे टीबीएम जो हमारा स्टेशन पॉइंट है। उसमें स्टेशन पॉइंट हमारा लेवल इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को नहीं दर्शाता है, वो स्टाफ की पोजीशन को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम टेम्परेरी बेंचमार्क टीबीएम लिखेंगे। टीबीएम लिखने के बाद हमने जो उस टीबीएम के ऊपर अपने स्टाफ रखकर हमने जो रीडिंग ली है वह रीडिंग हमारी बैक साइड के कॉलम में आएगी, क्योंकि सबसे पहले कोई जब भी हम सर्वे का कार्य शुरू करते हैं तो पहली रीडिंग हम टेम्परेरी बेंचमार्क पर ही लेते हैं और टेम्परेरी बेंचमार्क पर लेने वाली पहली रीडिंग को हम बैक साइड में ही लिखते हैं। अब चूंकि हमने टेम्परेरी बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल माना हुआ है 100, तो आरएल के कॉलम में हमने 100 लिखा हुआ है। अब उससे हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम टेम्परेरी बेंचमार्क के रिड्यूस लेवल में बैक साइड को ऐड करते हैं तो वह हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाती है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये कि अब जो ये जो दृष्टि रेखा है इंस्ट्रूमेंट की वह इस टेम्परेरी बेंचमार्क के रेफरेंस में ये इतनी ऊपर है, क्योंकि वह नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की हाइट होती है, और उस आधार पर हम इसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के कॉलम में हम वह लिख देंगे। मान लो सपोज हमारे पास रीडिंग स्टाफ की आई है 1.525 और 100 हमने आरएल माना हुआ है टेम्परेरी बेंचमार्क का, तो उस समय हम
उसमें हाइड्रो इंस्ट्रूमेंट के कॉलम में 101.525 लिख देंगे। अब जब तक हम इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं करते हैं तब तक की रीडिंग्स में हम उनको या तो हम इंटरमीडिएट साइड के कॉलम में लिखते हैं, और जब हमको इंस्ट्रूमेंट चेंज करना होता है उसके पहले वाली रीडिंग को हम पोस्ट साइड में लिखते हैं। मान लो सपोज हमने एक जगह इस एरिया में हमने ऐसी जगह इंस्ट्रूमेंट सेट किया था कि वहां से हम 10-15 हम रीडिंग्स हम ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं, तो हम अगर मान लो सपोज हमने 15 रीडिंग लेनी है तो 15 रीडिंग में से पहली रीडिंग हमारी बैक साइड में होगी, फिर 13 रीडिंग्स हम इंटरमीडिएट साइड में लिखेंगे, और फिर 13+1=14 हुई, और लास्ट की जो 15वीं रीडिंग है उसको हम फोर साइड में लिखेंगे। फोर साइड में हम इसलिए लिखते हैं लास्ट वाली रीडिंग को क्योंकि अब इसके बाद हम उस इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हैं। तो जब हम इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हैं क्योंकि हमने देख लिया कि अब इससे ज्यादा रीडिंग्स हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे स्टाफ जो है उस रेंज से बाहर जा रहा है टेलीस्कोप की रेंज से, तो हमको इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ता है। कई कंडीशंस होती हैं, कहीं बीच में झाड़ियां आ गई है, कोई ऐसी हो गई है, कहीं बहुत अधिक ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए हैं, तो उन जगहों पर भी हमको इंस्ट्रूमेंट को फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ता है। तो जब हम इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं तब हम लास्ट बिंदु पर जो जिस भी बिंदु पर हम ऑब्जर्वेशन लेंगे स्टाफ रीडिंग लेंगे वो हमारे फोर साइड के कॉलम में आएगा, लेकिन वह बिंदु वह हमारा जब तक हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट को हम दूसरी पोजीशन में शिफ्ट नहीं करते वह बिंदु पर हमारा स्टाफ रहना चाहिए। या इसके लिए दूसरा तरीका ये होता है कि हम पुनः वापस एक नया चेंजिंग पॉइंट हम मान लें, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर हो तो उसके ऊपर हम उस कॉलम में सीपी लिख देंगे स्टेशन पॉइंट के कंडीशन में, और उसमें सीपी में लिख के हम उसमें चेंजिंग पॉइंट पे, चेंजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि अब हम इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने जा रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने के लिए हमको जो लास्ट रीडिंग ली है हमने स्टाफ रीडिंग उस चेंजिंग पॉइंट पर ली है तो उसको हम फोर साइड के कॉलम में लिख देंगे। तो अब ये जो इंटरमीडिएट साइट में और फोर साइट में जो हमने ली है हाइड्रो इंस्ट्रूमेंट में से हर इंटरमीडिएट साइट और फोर साइट को हम माइनस करते चले जाएंगे तो वह हमको जो रीडिंग्स मिलेगी वह उस बिंदु के रिड्यूस लेवल्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से यदि हमने 15 रीडिंग्स ली है तो 15 रीडिंग्स में से 13 हमारी इंटरमीडिएट साइट में है, लास्ट 15th रीडिंग हमने फोर साइट में लिखी है, तो यह इनके 14 रीडिंग्स के हमको रिड्यूस लेवल्स मिल जाएंगे। अब जो लास्ट चेंजिंग पॉइंट पे हमने रीडिंग ली थी अब उसी हमने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दिया है दूसरी जगह पर, और वहां पर पुनः उसके टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स करते हैं। टेम्परेरी एडजस्टमेंट सबसे अधिक लेवलिंग ही की जाती है, वापस वही प्रोसेस दोहराया जाता है लेवल इंस्ट्रूमेंट पर, और उसके बबल को हम पूरे 360 डिग्री के रोटेशन में भी हम उसको सेंटर में रखते हैं। सेंटर में रखने का मतलब यह है कि अब हमारा लेवल पुनः लेवल्ड हो गया है। अब हम पुनः जो फर्स्ट रीडिंग लेंगे वह उसी चेंजिंग पॉइंट पर ही लेंगे जिस पर हमने लास्ट रीडिंग ली थी, और वह जो रीडिंग है वो वापस उसी रो में हमारे बैक साइड के कॉलम में आएगी। तो चूंकि चेंजिंग पॉइंट का हम रिड्यूस लेवल निकाल चुके हैं तो हमको उस चेंजिंग पॉइंट का रिड्यूस लेवल मालूम है जैसा हमको टीबीएम का मालूम था। अब इसमें ये बैक साइड की रीडिंग हम पुनः ऐड कर देंगे, और बैक साइड की रीडिंग पुनः ऐड करने पर वो हमको नया हाइड्रो इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, और नया हाइड्रो इंस्ट्रूमेंट मिलने के बाद फिर हम पुनः इसी प्रकार से ऑब्जर्वेशन लेंगे, और लास्ट रीडिंग से पहले वाली सारी रीडिंग्स हमारी इंटरमीडिएट साइड के कॉलम में आएगी, और लास्ट रीडिंग वापस पुनः फोर साइड के कॉलम में आएगी। इस प्रकार से हम यह कलेक्शन का लेवल बुक के अंदर एंट्री करते हैं और इनकी कैलकुलेशंस करते हैं। अब सेकंड मेथड है हमारा राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड में हम प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष उस स्टाफ रीडिंग को ऑब्जर्व करते हुए हम ये देखते हैं कि ये बिंदु उस प्रीवियस बिंदु से ऊपर है या नीचे है। जैसे मान लो सपोज हमारा फर्स्ट रीडिंग हमारी 1.525 और 100 आई, तो सेकंड रीडिंग आई हमारी 1.2, तो 1.2 का मतलब ये है कि जो हमारी फर्स्ट रीडिंग है उससे हमारा ये 1.2 अब ऊपर है या नीचे है। क्योंकि रीडिंग्स हमारी अगर मान लो कम आती है तो इसका मतलब पॉइंट हमारा ऊपर है, ये इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि कंफ्यूजन कई बार होता है कि 1.525 से 1.2 है तो इसका मतलब ये फॉल है, फॉल नहीं है, ये राइज में है। तो राइज वाले कॉलम में हम इसका डिफरेंस हम लिख देंगे, और उस तरह ही जो हमारा राइज आया है अब 1.2 और 1.525 यानी 0.325, उस 0.325 को हम फर्स्ट रिड्यूस लेवल में ऐड कर देंगे तो हमको ये सेकंड पॉइंट का हमको रिड्यूस लेवल मिल जाएगा।
और फिर अगर मान लो हमारा तीसरा पॉइंट पुनः 1.1 है, तो इसका मतलब ये जो पहले वाले सेकंड वाला जो पॉइंट था 1.2, उससे भी वापस ये पुनः ऊपर है। तो इसमें इसको इस वाले पॉइंट वन को भी हम राइज के कॉलम में लिखेंगे, और उसका उसमें जो हमने सेकंड वाला जो रिड्यूस लेवल लिया था उसमें पॉइंट वन एड करेंगे, तो हमको तीसरा बिंदु का हमको रिड्यूस लेवल मिल जाएगा। इस तरीके से हम स्टाफ को रीडिंग्स को हम ऑब्जर्व करते हुए उनके डिफरेंसेस निकालते हुए राइज एंड फॉल में हम निकालते चले जाएंगे, और इस प्रकार से हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब इसमें एक सबसे बढ़िया हमारा चेक होता है कि चेक ये होता है कि हमने जो ये काम किया है आज का, अब ये कि जब लास्ट में सपोज हमको जब काम आज का समाप्त करना है और नेक्स्ट डे के लिए हमको वापस करना है काम, तो उसमें केस में हम लास्ट जो रीडिंग हम लेते हैं वो ऐसे बिंदु पर लेते हैं, ऐसे सतह पर लेते हैं कि जिसको हम नेक्स्ट डे हम वापस लोकेट कर सकें। लोकेट करने का भी तरीका होता है कि किसी भी बिंदु को यदि हमको लोकेट करना हो कि इस जगह पर हमने स्टाफ रखा था, तो तीन परमानेंट बिंदुओं से उसका डिस्टेंस ले लेते हैं टेप की सहायता से, ताकि ये नेक्स्ट डे जब हम आते हैं तो हमको ध्यान में नहीं रहता। मान लो सपोज अब कई बार क्या होता है कि हम कोई पत्थर रख के चले जाते हैं या कोई सब देख लेते हैं मेमोरी में, और हमारी पत्थर रख के चले गए, रास्ते में कोई बच्चा आया उसने पत्थर उठा के फेंक दिया, तो हमारा वो नेक्स्ट डे हम वो पत्थर ढूंढते रह जाते हैं, पत्थर हमको दूसरी जगह मिलता है, तो हमको ये लगता है कि हमने यहाँ पर लिया था, और इससे हमारा पूरा काम गलत हो जाता है आगे का। तो इसलिए ऐसा कोई परमानेंट हमको पॉइंट हमको ढूंढना पड़ता है जिस पर हम यह तीन बिंदुओं से उसकी फिर भी दूरी भी हम उसको ज्ञात करके हम हमारे लेवल बुक में लिख लेते हैं कि भाई ये जो आज लास्ट हमने काम फिनिश किया है तो इस बिंदु का हमारा ये डिस्टेंसेस है तीन जगहों से, ताकि हम नेक्स्ट डे वापस पुनः उस बिंदु को आसानी से लोकेट कर सके। अब इसका चेक ये है कि यदि मान लो जब हमने लेवल इंस्ट्रूमेंट में हमने सब एंट्री कर ली, कैलकुलेशन कर ली, सब रिड्यूस लेवल निकाल लिए, तो लास्ट रिड्यूस लेवल और फर्स्ट रिड्यूस लेवल का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, और इधर हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसका फर्स्ट रीडिंग का और लास्ट रीडिंग का भी डिफरेंस निकाल लेते हैं, सम ऑफ फोर साइड सम ऑफ बैक साइड। तो इसके डिफरेंस पे हमको जो होता है वह हमारा रिड्यूस लेवल का डिफरेंस भी आता है। यदि इन दोनों में कुछ डिफरेंस आता है, दोनों में असमानता रहती है, इट मीन्स कि या तो हमने कोई कैलकुलेशन में गलती की है या हमने ऑब्जर्वेशन में कोई गलती की है। जनरली ऑब्जर्वेशन की गलती हम चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कैलकुलेशन की गलती हमको चेक की जा सकती है। तो पुनः हम वापस पुनः कैलकुलेशन चेक करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि हम कहाँ पर किस बिंदु पर हमने गलती की है कैलकुलेशन में। नेक्स्ट डे जब हमको काम शुरू करना होता है तो जिस बिंदु से हमने काम समाप्त किया था पिछले दिन का, उसी बिंदु पर उसी पॉइंट पर हम पुनः स्टाफ रखकर इंस्ट्रूमेंट को कहीं भी सेट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन से इसे कोई रिलेशन नहीं है। इंस्ट्रूमेंट को कहीं सेट करके पुनः हम रीडिंग लेंगे, उस रीडिंग को उस लास्ट रीडिंग के रो के अंदर हम बैक साइड के कॉलम में हम उसको लिख देंगे, और जो रिड्यूस लेवल हमने निकाला था फोर साइड को माइनस करके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, उस रिड्यूस लेवल में हम बैक साइड की रीडिंग को एड कर देंगे, जिसके कारण से हमें वह नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा और नेक्स्ट डे का काम भी पुनः वापस हम इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। तो यह हमारा रिकॉर्ड ऑफ एंट्री भी हम लेवल बुक में किस प्रकार से एंट्री करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं और किस प्रकार से। अब इसमें जब हम पूरे दिन का काम करते हैं उसको भी हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो पूरे दिन का काम किया वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज अगर मान लो हमने एक बिंदु से जब शुरू में हमने टेम्परेरी मैच पांच से शुरू किया था, और उसके बाद हमने काफी एरिया में हमने सर्वे करके हम एक काफी दूर तक हम पहुंच गए थे जहां पर हमने कई बार पांच छह बार हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया था, तो पुनः हम फ्लाई लेवलिंग करते हैं। फ्लाई लेवलिंग का नाम ही है उड़ती हुई लेवलिंग। उड़ती हुई लेवलिंग का मतलब ये है कि फर्स्ट बिंदु और लास्ट बिंदु, अब लास्ट बिंदु से पुनः हम फर्स्ट बिंदु की तरफ आते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को अब हम कहीं पर भी बहुत लंबे डिस्टेंस को पर भी हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक एक रीडिंग लेनी होती है। तो इस तरीके से हम उसमें वापस पुनः, तो उसमें फ्लाई लेवलिंग में सिर्फ बैक साइड फोर साइड की रीडिंग्स आती है। और अगर मान लो सपोज हमने पांच चेंजिंग पॉइंट लिए थे, तो फ्लाई लेवलिंग में हम हो सकता है कि दो ही चेंजिंग पॉइंट ले, या हो सकता है कि एक ही चेंजिंग पॉइंट से हम वापस पुनः हम फर्स्ट बिंदु तक पहुंच जाए। तो इस तरीके से हम ये
फ्लाई लेवलिंग करते हुए हम उसका वापस पुनः आरएल हम कैलकुलेट करेंगे, और अगर पुनः वापस जो हमने फ्लाई लेवलिंग का जो लास्ट बिंदु था उसको हमने फोरसाइट में लिखा था उसका वापस वो 100 यदि आ जाता है तो इट मींस कि जो हमने सर्वे किया है वो हमारा करेक्ट है। तो यह भी हमारा चेक है पर डे का काम का, ताकि यदि अगर मान लो ये गलती हुई हो तो हम नेक्स्ट डे पुनः वापस इस काम को रिपीट करके हम हमारी गलती को दूर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही, थैंक यू।